गोधन न्याय योजना के तहत राजनंदगांव में गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई, लेकिन महज कुछ माह बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर गोबर फेंक कर चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत राजनंदगांव शहर में भी गोबर खरीदी किए जाने के लिए राज्य शासन से 4 गौठान स्वीकृत किया गया था। इस गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जानी थी। गोबर खरीदी से अब तक लगभग 1,56,00,000 रुपए का भुगतान गौ पालकों को किया जा चुका है, लेकिन अब नगर निगम के द्वारा यह संचालित कई गोबर खरीदी केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते पशुपालकों ने शहर के इंदिरा नगर चौक के समीप गोबर खरीदी केंद्र के सामने सड़क पर गोबर फेंक कर चक्का जाम कर दिया। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें गोबर बेचने अब 3-4 किलोमीटर दूर के खरीदी केंद्रों में बुलाया जा रहा है। चाहिए मुहारा नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारे नान नान लोग नहीं कहावे, हमन खाना उना नहीं बना सकन, उसी जाओ गोबर धर के भैया हमें नीचे डालना है। हमें गोबर डालते थे जब से खरीदी किया है, उसके बाद अभी नहीं लेना चाह रहा है, तो फिर हम क्या करें, मुहारा नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग इसके कारण से सब दुरुपयोग कर रहे हैं और यही डालना है हमको इंदिरा नगर सेंटर में। वहाँ तकलीफ हो रहा है, उतना दूर नहीं जा पाएंगे। अगर लेना था तो यहीं शुरू से लो, या तो फिर कहीं नहीं लेना था, शुरू ही नहीं करना था। गोधन न्याय योजना से गोबर बेचकर कई पशुपालक आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे थे, वहीं पशुधन में भी बढ़ोतरी हो रही थी। कई पशुपालकों ने गोबर बेचकर कुछ और गाय खरीदी थी, जिससे उन्होंने अपने दूध का व्यवसाय बढ़ाया था। पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर भी नहीं छोड़ रहे थे, जिससे सड़क दुर्घटना में भी कमी आई थी, लेकिन अब केंद्र बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है गोबर की, समस्या है गोबर, छोटे छोटे लोग नहीं कहे भैया हम गोबर ले मुहारा जा के नहीं सकन है। आए दो तीन किलोमीटर हवे, ये बच्चा मन घर के कहाँ जाबो, हमारे घर में आज आदमी बने आज दिन भर आ जा 7 बजे बैठे नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।